वेलकम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली के गणेश नगर बस स्टॉप से डीटीसी बसेस के कौन कौन से नंबरों की बसें आपको इस बस स्टॉप से मिल जाएंगी और इस बस स्टॉप से बसों की सर्विसेज भी काफी ज्यादा है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। यहां से आपको बस नंबर 8585EXT नंबर की बस मिल जाएगी, 118EXT नंबर की बस मिल जाएगी, 301, 307, 307A, 309, 327, 348, 349, 351, 362, 378, 384, 391, ये सारे नंबरों की बसें इस बस स्टॉप से होकर गुजरती हैं जो आपको यहां से मिल जाएंगी दोस्तों। और ये आ गई एसी बस रूट 85EXT वेस्ट इंक्लेव टर्मिनल से रानी बाग रेलवे कॉलोनी पंजाबी बाग टर्मिनल सादीपुर डिपो टेलीफोन एक्सचेंज गणेश नगर सरस्वती कुंज बालको अपार्टमेंट आशीर्वाद अपार्टमेंट हसनपुर गांव हसनपुर डिपो होते हुए आनंद विहार ISBT टर्मिनल जा रही है। और वो आ रही दोस्तों नॉन एसी क्लस्टर बस रूट नंबर 85EXT शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल से बारा खंबा मेट्रो स्टेशन तिलक ब्रिज रेनी वेल गणेश नगर मदर डेरी हसनपुर गांव गाजीपुर डिपो होते हुए आनंद विहार ISBT टर्मिनल जा रही है। इसके पीछे है DTC की हरी वाली नॉन एसी बस रूट नंबर 309 आनंद पर्वत टर्मिनल से DV गुप्ता मार्केट पहाड़गंज पुलिस स्टेशन जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली गेट रेनी वेल गणेश नगर PS पांडव नगर कोटला गाँव सुपर बाजार होते हुए कल्याणपुरी टर्मिनल जा रही है। इसके पीछे आ रही है JBM डिम्स बस रूट 391 केंद्रीय टर्मिनल चर्च रोड से पटेल चौक कृषि भवन तिलक ब्रिज गणेश नगर सरस्वती कुंज सामुदायिक भवन खिजरीपुर होते हुए कल्याणपुरी टर्मिनल जा रही है। गणेश नगर बस स्टॉप का ये पूरा एरिया है। रोड के उस पार आपको ये मार्केट आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको फूड ओवर ब्रिज और मेट्रो स्टेशन नहीं है और स्टॉप पर भी रूट मैप नहीं लगाया गया है। वैसे तो दिल्ली के सभी बस स्टॉपों पर रूट मैप लगाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ बस स्टॉपों पर रूट मैप नहीं लगे हुए हैं। सामने आ रही है डिम्स की नीली वाली एसी बस रूट 307 अजमेरी गेट कमला मार्केट से दिल्ली गेट तिलक ब्रिज रेनी वेल गणेश नगर मदर डेरी ITI खिचड़ीपुर कोटला गांव होते हुए त्रिलोकपुरी 26 ब्लॉक जा रही है। और दोस्तों गणेश नगर बस स्टॉप से DTC बसेस की सर्विस भी काफी ज्यादा है। आप सामने देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर बसेस आती जा रही है। और ये है नॉन एसी क्लस्टर बस रूट 348 मोरी गेट टर्मिनल से लाल किला जामा मस्जिद इंदिरा गांधी स्टेडियम लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गणेश नगर विनोद नगर चांद सिनेमा भारती पब्लिक स्कूल CRPF कैंप होते हुए मयूर विहार फेस 3 टर्मिनल जा रही है। दोस्तों गणेश नगर बस स्टॉप से आपको ऑटो टैक्सी ई रिक्शा और प्राइवेट बसेस की भी काफी अच्छी सर्विस मिल जाती है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं एक प्राइवेट बस आ रही है बस रूट नंबर F253A जो कि सीलम मेट्रो स्टेशन से गणेश नगर बस स्टॉप होते हुए मयूर विहार फेस 3 टर्मिनल जा रही है। और ये नॉन एसी बस है, इसके पीछे जा रही है क्लस्टर बस। गणेश नगर बस स्टॉप पर वैसे तो शाम के समय काफी भीड़ रहती है। और ये आ रही दोस्तों डिम्स की नीली वाली एसी बस रूट 740EXT उत्तम नगर से जीवन पार्क जनक सिनेमा जनक सेतु शास्त्री बाजार धोला कुआं तिलक ब्रिज गणेश नगर हसनपुर डिपो गाजीपुर डिपो होते हुए आनंद विहार ISBT टर्मिनल जा रही है। इसके पीछे आ रही है DTC की लाल वाली एसी बस बस रूट नंबर 85 पंजाबी बाग टर्मिनल से गणेश नगर बस स्टॉप होते हुए आनंद विहार ISBT टर्मिनल जा रही है दोस्तों। और गणेश नगर बस स्टॉप से दोस्तों जैसे बसों की यहाँ पर लाइन सी लगी हुई है, आप देख सकते सामने से लाइन से यहाँ पर बसेस आती जा रही हैं। रोड भी काफी चौड़ा बना रखा है गणेश नगर बस स्टॉप का। सामने की तरफ है डिम्स बस और ये आ गई नॉन एसी बस रूट नंबर 356 मेहरूली टर्मिनल से लाडो सराय फिरनी रोड चिराग दिल्ली मूलचंद खैराती राम हॉस्पिटल सुंदर नगर गणेश नगर कोटला गाँव भारती पब्लिक स्कूल होते हुए मयूर विहार फेस 3 टर्मिनल जा रही है। इसके पीछे है नॉन एसी क्लस्टर बस रूट नंबर 469 गणेश नगर बस स्टॉप होते हुए हमदर्द नगर संगम विहार जा रही है। और दोस्तों इस बस में 40 और 50 रुपए वाला डेली पास नहीं चलेगा। और ये है गणेश नगर बस स्टॉप का मार्केट का पूरा एरिया। शाम का आप पूरा यहां पर व्यू देख सकते हैं। करंट टाइम आपको बता दूं इस वक्त 4:55 का टाइम हो रहा है। और ये आ रही दोस्तों एसी इलेक्ट्रिक बस रूट नंबर 118EXT मोरी गेट टर्मिनल से जामा मस्जिद लाल किला इंदिरा गांधी स्टेडियम लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गणेश नगर मदर डेरी ITI खिचड़ीपुर कोटला गांव चांद सिनेमा मयूर विहार फेस 3 क्रॉसिंग भारती पब्लिक स्कूल CRPF कैंप होते हुए मयूर विहार फेस 3 पेपर मार्केट जा रही है। दोस्तों गणेश नगर बस स्टॉप से आपको DTC बसेस की सर्विस यहाँ से आपको हर 10-10 मिनट में मिल जाएंगी। जैसा की आप देख पा रहे
रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी बसेस आती जा रही हैं। रोड के उस पार से भी आपको काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी। सामने आ रही है दोस्तों नॉन एसी बस रूट नंबर 347 जो कि ISBT कश्मीरी गेट से दरियागंज ITO रिंग रोड गणेश नगर दिल्ली पुलिस अपार्टमेंट मयूर कुंज नोएडा सेक्टर 3 नोएडा सेक्टर 28 नोएडा सेक्टर 37 नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन होते हुए नोएडा सेक्टर 34 जा रही है। भीड़ बहुत रहती है दोस्तों इस बस में। कभी कभी गणेश नगर बस स्टॉप से आपको नोएडा के लिए DTC बसेस की ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज आपको यहां से मिल जाएंगी। पूरा यहां का व्यू देख सकते हैं दोस्तों आप। और सामने जा रही है DTC की हरी वाली नॉन एसी बस रूट 309 जो कि आनंद पर्वत जा रही है गणेश नगर बस स्टॉप होते हुए। और वो आ रही दोस्तों AC बस रूट नंबर 347 जो कि ISBT कश्मीरी गेट से लाल किला जामा मस्जिद दिल्ली गेट अंबेडकर स्टेडियम रेनी वेल गणेश नगर पुस्ता क्रॉसिंग नोएडा सेक्टर 14 रजनीगंधा चौक नोएडा सेक्टर 28 नोएडा सेक्टर 37 नोएडा सेक्टर 39 नोएडा सेक्टर 34 होते हुए नोएडा सेक्टर 35-51 जा रही है। इसके पीछे आ रही है डिम्स AC बस रूट 307 अजमेरी गेट कमला मार्केट से दिल्ली गेट ITO रिंग रोड गणेश नगर PS पांडव नगर कोटला गाँव त्रिलोकपुरी 26 ब्लॉक होते हुए त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक जा रही है। ज्यादा भीड़ नहीं है दोस्तों इस बस में। और यहां से आपको ई ऑटो की भी सर्विस मिल जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से ई ऑटो भी आ रहे हैं। वो आ रही दोस्तों AC इलेक्ट्रिक बस रूट YMS- मोरी गेट टर्मिनल से शास्त्री पार्क कैलाश नगर पुस्ता SDM ऑफिस लक्ष्मी नगर सकरपुर क्रॉसिंग गणेश नगर पॉकेट 5 मयूर विहार फेस 1 चांद सिनेमा गाजीपुर डिपो ISBT आनंद विहार सूर्या नगर गाजीपुर रोड न्यू सीमापुरी डिपो क्लस्टर आनंद ग्राम नंद नगरी डिपो C4 यमुना विहार भजनपुरा करतार नगर शास्त्री पार्क श्यामगिरी मंदिर ISBT नित्यानंद मार्ग होते हुए मोरी गेट टर्मिनल जा रही है। सामने रही है नॉन एसी क्लस्टर बस रूट 85 पंजाबी बाग टर्मिनल से सादीपुर मेट्रो स्टेशन ईस्ट पटेल नगर करोल बाग मेट्रो स्टेशन कलावती हॉस्पिटल रेनीवेल गणेश नगर हसनपुर गांव महाराजपुर चेक पोस्ट होते हुए आनंद विहार ISBT टर्मिनल जा रही है। इसके पीछे आ रही है AC इलेक्ट्रिक बस रूट 85 AXT। तो दोस्तों ये था दिल्ली के गणेश नगर बस स्टॉप का छोटा सा एक ब्लॉग जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि DTC बसों की सभी रूटों की जानकारी सभी को मिल सके। वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और लोकेशन पे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।